आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 14 मई से 20 मई 2024 का। ये सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा, इस विषय पर बात करूंगी। साप्ताहिक राशिफल बहुत ही सामान्य गोचर के ग्रहों के ऊपर आधारित होता है, तो आप लोग अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से ही मिला करके सुन सकते हैं। और अगर आपको अपने जन्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपको नहीं मालूम है आप कब पैदा हुए थे, क्या आपकी राशि है, क्या लगन है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने बुलाने वाले नाम के अक्षर से अपनी राशि को चेक कर लीजिएगा। जैसे कि अगर आपका नाम सीता है या स अक्षर से शुरू हो रहा है, संजय है, सीता है, या और भी जो नाम होते हैं स से, तो आपकी कुंभ राशि हो जाएगी, क्योंकि ये जो स अक्षर आता है ये कुंभ में आता है। तो आप अपने लिए प्रेडिक्शन कुंभ का सुन लीजिएगा। और इसी के साथ अगर आपको अपने जन्म के चंद्रमा के बारे में पता है कि जब आप पैदा हुए थे तो आपका जो चंद्रमा प्लेनेट है वो किस ग्रह में, किस नक्षत्र में बैठा हुआ था, तब आप उसको भी चेक कर लीजिएगा, तब आपको प्रिडिक्शन और अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके लिए करना क्या रहेगा आपको कि चंद्रमा आपका किसी भी नक्षत्र में हो सकता है, जो हमारे 27 नक्षत्र हैं उनमें से कोई भी नक्षत्र हो सकता है। तो जैसे अगर मान लिया कि आपका चंद्रमा जब आप पैदा हुए थे तो वो बुध के किसी नक्षत्र में था, बुध के जो 3 नक्षत्र है ना, आश्लेषा और ज्येष्ठा और रेवती, इसमें से किसी भी नक्षत्र में था, तो वो जो पर्टिकुलर नक्षत्र होगा वो आपके जन्म की तारा बन जाएगी। जन्म की तारा का मतलब होता है कि वो आपका एक नंबर का नक्षत्र हो गया। तो यहाँ पर नक्षत्र को तो आप देखेंगे ही देखेंगे, और उस नक्षत्र का जो लॉर्ड प्लैनेट बनता है मरकरी, वो आपके लिए एक नंबर का ग्रह बन जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके लिए 3रे नंबर, 5वें नंबर और 7वें नंबर की तारा के ऊपर से चंद्रमा का मूवमेंट हो या किसी भी मेल्ट्री प्लेनेट का ट्रांजिट हो, तो थोड़ी सी दिक्कत वहां पर देखने को मिलती है। तो उसको भी आप लोग अपने प्रेडिक्शन में इन्वॉल्व कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ आप अपनी दशाओं को जरूर चेक करिएगा, आपकी महादशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है, क्योंकि वही जीवन को अधिक प्रभावित करते हैं, वो वहां से जो है लाइफ गवर्न होती है। और जब भी चंद्रमा आपका 4, 8, 12 से गोचर करता है, आपके नेटल के चंद्रमा से, जहां पर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है उस प्लेसमेंट से जब चंद्रमा 8वें में जाता है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा अननोन फियर होता है, और जब 4थे में जाता है तब भी परेशानियां होती हैं, और जब 12वें में जाता है तो फालतू की समस्याएं आती हैं, खर्चे होना और कार्यों में रुकावट, बाधाएं, मतलब किसी तरह की कुछ न कुछ जो है ट्रबल वहां पर देखने को मिलती है। तो उन्हीं सब चीजों को मैं जोड़ करके आपको बताती हूँ। और लास्ट में जो बड़े ग्रह होते हैं, गुरु, शनि, राहु, केतु, इनकी प्रभाव को भी संक्षेप में बताने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि जो चंद्रमा होता है ना, यही 27-28 दिन में सारे नक्षत्रों के ऊपर से होता हुआ जाता है। तो जैसे जैसे चंद्रमा आगे बढ़ता है और किसी भी ग्रह से जब वो कनेक्ट होता है, किसी भी ग्रह से, वो ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा होता है, जब उससे उसका कनेक्शन बनता है या उस नक्षत्र के ट्राइन से बनता है, तब घटनाएं घटित होती हैं। मतलब कि बगैर चंद्रमा की परमिशन के, बगैर चंद्रमा के इन्वॉल्वमेंट के आपके लाइफ कोई भी घटना नहीं हो सकती है। इसलिए चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। और साप्ताहिक राशिफल पूरा का पूरा चंद्रमा के गोचर के ऊपर ही आधारित होता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है, आपके मन को दिखाता है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, जिस तरह से आपके नेटल चार्ट से कनेक्ट होगा, वैसे आपका मन बनेगा, वैसे आपकी घटनाएं घटित होती हैं। और राशिफल मैं आपको विस्तार से बताऊं, उसके पहले आप सभी लोगों को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और साथ में जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए और अपना सपोर्ट जरूर दीजिए, क्योंकि जब आप लोग देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है और काम करने की इच्छा पैदा होती है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या हो सकता है मेष वालों के लिए। देखिए, मेष राशि लग्न वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से मंगलवार दोपहर
1 बजे तक का जो समय है काफी सेंसिटिव है। पारिवारिक कोष का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कलह क्लेश, वाद विवाद, माँ की हेल्थ या आपके स्वयं के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, साथ में सर्दी जुकाम, कोल्ड का फीवर या कोई भी वजह से फैमिली मेंबर्स आपस में एक दूसरे से चिढ़े चिढ़े से नाराज रहे, ऐसा कुछ हो सकता है। मंगलवार दोपहर 1 बजे से गुरुवार शाम 7 बजे तक का जो समय है आप लोगों के लिए थोड़ा केयर करनी पड़ेगी बच्चों की, विशेष रूप से बच्चे आपके छोटे हैं या बड़े हैं उनका ध्यान रखिएगा। वो थोड़ा सा अपने मन का करेंगे, मतलब कि आपका कहना नहीं माने, पढ़ाई में मन न लगाए, इधर उधर उनका दिमाग दौड़े, ऐसा कुछ करेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं अधिक फोकस बना करके रखिएगा, नहीं तो आपका दिमाग जो है पढ़ने से उचट सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में है, किसी न किसी वजह से आप अपने पार्टनर से कोई बहाना ले लेके उससे लड़ने झगड़ने का, डिफरेंसेस क्रिएट करने का काम करेंगे, तो ये वो समय है जब आप अपने समय को अगर किसी भी हॉबीज के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं, लिखना, पढ़ना, सीखना, सिंगिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको करिएगा तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। गुरुवार शाम 7 बजे से शनिवार रात 1 बजे तक का जो समय है ये आपके लिए सफलताएं लेकर के आ रहा है। यहाँ पर आपके सप्ताह में जितने भी पीछे रुके अटके बिगड़े कार्य होंगे वो सारे पूर्ण हो रहे हैं। कॉम्पिटिशन में सफलता, रोग शत्रु, वाद विवाद, सब जगह आपको सफल होने के योग बनेंगे। किसी भी तरह के आप कंपटीशन से जुड़े हुए हैं अच्छा है आपके लिए। कॉम्पिटेटिव फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, केस मुकदमा दायर करने के लिए समय बहुत अच्छा है। और नौकरी में लाभ, पैसों का फायदा, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ, यात्राओं से फायदा, सारे कार्य आपके यहाँ पर बन रहे हैं। शनिवार रात 1 बजे से जो पूरा संडे का दिन है ये आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। व्यापार में फायदा हो सकता है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से सहयोग मिलेगा, मान सम्मान, पैसों की प्राप्ति। किसी रिलेशनशिप में है तो आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, या आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट हुए तो उसको बैठ करके बात करिए, वो सॉल्व हो सकता है। पार्टनर पे आप बिजनेस में किसी को आप अपने पार्टनरशिप में लेकर के आना चाहते हैं उसके लिए भी समय अच्छा है। व्यापारिक गतिविधियों के लिए टाइम बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ साथ देखिए जितने भी मेष वाले लोग हैं अभी आप लोगों के लिए गुरु सूर्य काफी अच्छी पोजिशन में आ गए हैं, शनि ऑलरेडी अच्छी जगह पे चल ही रहे हैं, बुध शुक्र आपके लग्न में बैठे हैं, मंगल राहु बाहर। तो देखिए थोड़ा सा एग्रेशन का, गुस्से का ध्यान रखिएगा, अनावश्यक व्यय खर्चों से बचाव करिएगा और गुस्सा बिल्कुल ही नहीं करना है। और पैसों का आपको फायदा हो रहा है, आपके आपका जो धन है मतलब कि गुरु और सूर्य मिलकर के आपके पैसों की बढ़ोतरी करेंगे, निवेश करवाएंगे कुछ, जैसे कि ट्रेडिंग है, शेयर है, इन सब चीजों के जरिए से आपको फायदा हो सकता है। बुध शुक्र लग्न में बैठे हुए हैं तो बिजनेस से फायदा करवा रहे हैं आपको, और आपको काफी चार्मिंग पर्सनालिटी दे रहे हैं, तो मतलब आप बड़े बौद्धिक हो जाएंगे। बहुत अच्छा ये योग बना हुआ है आपके लगन में, तो आप नौकरी है, बिजनेस है, पार्टनर है, उन सबके साथ में बहुत अच्छे से फायदा ले सकते हैं। शनि जो है आपको लाभ करवा रहे हैं, रिसर्च वगैरह से जुड़ करके काफी आपको सपोर्ट करेंगे। थोड़ा बहुत ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि जो नसों की प्रॉब्लम होती है ना, पैर में गठिया है, बतास है, ज्वाइंट पेन, ऐसा कुछ शनि देते रहेंगे, लेकिन फाइनेंशियली आपको मदद करेंगे। कोई भी आप यात्राएं कर रहे हैं वहां थोड़ा सावधानी रखिएगा और अनावश्यक व्यय मत करिएगा, खर्चे हो सकते हैं। मेष के बाद फिर बात करते हैं वृषभ के लिए। देखिए जितने भी वृषभ राशि लगन वाले लोग हैं, सोमवार सुबह 6 बजे से मंगलवार दोपहर 1 बजे तक का जो समय है बहुत ही अच्छी आपकी शुरुआत हो रही है। सारे कार्य पूर्ण हो रहे हैं, पैसों की प्राप्ति, नौकरी से लाभ, यात्राओं में फायदा। आपको आपकी कोई भी जॉब प्रोफाइल है, किसी भी एज ग्रुप के लिए है, सभी के लिए समय बहुत ही उपयोगी है। मीडिया, ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल्स, ट्रांसपोर्ट, आईटी, आर्ट, कोई भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं सभी के लिए समय बहुत अच्छा है। इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं, मीटिंग, पेपर रिलेटेड वर्क सारे पूरे कर लीजिए यहाँ पर, या कोई भी ऐसा काम जिसको आप चाहते हैं आगे चल करके पूरा हो जाए, आपके विश जो है वो उस वो कंप्लीट हो जाए, वो फुलफिल हो जाए, तो उसकी शुरुआत आप यहाँ पर करिए। और हर तरह से समय आपको बहुत लाभ दे रहा है, सारे महत्वपूर्ण कार्य आप यहाँ पर कर सकते हैं। मंगलवार दोपहर 1 बजे से गुरुवार शाम 7 बजे तक का जो समय है पारिवारिक पक्ष पर ध्यान रखिएगा, पारिवारिक क्षेत्र आपका अशांत हो रहा है। स्वयं के स्वास्थ्य, मदर की हेल्थ, कोल्ड का फीवर, सर्दी जुकाम या माँ से कोई बात पर तनाव हो जाए, कहा सुनी हो जाए, पारिवारिक पक्ष का ध्यान रखना है। गुरुवार शाम 7 बजे से शनिवार रात 1 बजे तक का जो समय है यहाँ पर आपको अपने बच्चों की बहुत केयर करनी है, रिलेशनशिप में है वहां बना करके चलिएगा। अदरवाइज आप अपने पार्टनर से बेवजह के वाद विवाद कर सकते हैं। जो स्टूडेंट है पढ़ाई पे बराबर फोकस बनाइएगा, थोड़ा आपका ध्यान हट सकता है। शनिवार रात 1 बजे से जो पूरा संडे का दिन है यहाँ से स्थितियां आपके लिए अनुकूल होंगी। सप्ताह में जो कार्य आपके रुके अटके होंगे वो सब पटरी पाना शुरू होंगे। कोई भी तकलीफ रही होगी हेल्थ से संबंधित, या कुछ भी जो मुश्किलें चल रही थी, ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, वो सब दूर होंगे। कॉम्पिटिशन के दृष्टि से अच्छा है, फॉर्म वगैरह आप फिलअप कर सकते हैं, और शत्रुता वाले जितने भी कार्य होते हैं उसको दूर करने के लिए समय बहुत अच्छा है। अच्छे डॉक्टर, अच्छी मेडिसिन आपको मिल सकती है, नौकरी से फायदा हो सकता है, यात्राओं से, पैसों का लाभ, मतलब ये समय आपको मदद करना शुरू करेगा जो आगे कंटिन्यू रहेगा आपको मंडे के दिन भी।
इसी के साथ साथ जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, देखिए आपके लग्न में है गुरु, गुरु और सूर्य चल रहे हैं ट्रांजिट में, तो बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए आपको बच्चे हैं, संतान, बिजनेस पार्टनरशिप, हायर स्टडीज, नेम फेम, ये सब कुछ ये प्लेनेट आपको दिलवाएंगे। लेकिन थोड़ा हेल्थ का ध्यान रख लीजिएगा। जुपिटर आपको जहाँ सारी चीजें दे रहे हैं, तो स्वास्थ्य में थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन ला सकते हैं, दशाएं चेक कर लीजिएगा। बुध और शुक्र आपके बारे में भाव में गोचर कर रहे हैं, बराबर आप कुछ यात्राएं कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की वजह से काफी आपको टूर ट्रेवल्स मिल जाएगी। मंगल राहु आपके लाभ भाव में चल रहे हैं, तो अच्छी स्थिति है, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ पैसे दिलवाते रहेंगे। और जो भी आप पैसे यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, वो अपने पार्टनर के माध्यम से या आपके जो निवेश पहले से आपने कुछ किए हुए हैं, वो सब कहीं आपको कन्वर्ट होकर के फाइनेंशियली गेन करा दें। जो आपके अधिकारी वर्ग के लोग हैं या जो आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, उन लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन करके चलिएगा, है ना। गवर्नमेंट से तो फायदा होगा, पैसे भी दोनों प्लेनेट दिखा देंगे, लेकिन दोनों ही मेल्फिक प्लेनेट है, तो रिलेशनशिप कई बार बिगाड़ करते हैं। शनि आपके 10th हाउस में चल रहे हैं, तो अच्छी स्थिति है ये आपके लिए। बराबर जॉब से जुड़े हुए जो इवेंट्स है वो देंगे, और सारी जो स्थितियां आप लोगों के लिए बनी हुई है वो बिजनेस आपका यहाँ पर काफी ग्रोथ हो सकता है। मैरिज और पार्टनरशिप से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, वैसी घटनाएं हो सकती हैं। वृषभ के बाद फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से मंगलवार दोपहर 1 बजे तक का जो समय है औसत है। खान पान, बोली भाषा, वाणी का ध्यान रखिएगा, पैसों का लेन देन नहीं करना है, थोड़े से असंतुष्ट रहेंगे तो शांति बना करके रखिएगा। मंगलवार दोपहर 1 बजे से गुरुवार शाम 7 बजे तक का जो समय है, ये आपके लिए बहुत लाभ देना शुरू करेगा। यहाँ पर आपको नौकरी, बिजनेस में लाभ, पैसों से लाभ, यात्राओं से फायदा, आईटी, टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया, हर तरफ से आपके लिए लाभपूर्ण स्थितियां बन रही हैं। आप इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं, मीटिंग रिलेटेड काम, पेपर रिलेटेड, साइन करना है, ये सब काम आप यहाँ पर करिए। और कोई भी ऐसा काम जिसको आप चाहते हैं कि आगे चल करके वो काम आपका पूर्ण हो जाए, उसकी शुरुआत आप यहाँ कर सकते हैं, बड़ा फायदा कर देगा आपको। आप कोई भी है, आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, कोई भी आपके जॉब प्रोफाइल है, सभी के लिए समय बहुत लाभप्रद रहेगा। यहाँ पर जो भी आप काम शुरू करेंगे, वो आगे चल करके उसके सफल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, ये एक अच्छी चीज है। विश फुलफिलमेंट के लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा, आप किसी भी नए काम की यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। गुरुवार शाम 7 बजे से शनिवार रात 1 बजे तक का जो समय है, पारिवारिक पक्ष यहाँ पर ध्यान रखना रहेगा। फैमिली में कलह क्लेश, वाद विवाद हो सकते हैं, या आपके अपने माँ से किसी बात पे कहा सुनी हो जाए, या फिर आपके या आपकी मदर की हेल्थ में थोड़े बहुत छिटपुट छिटपुट उतार चढ़ाव आ सकते हैं, जैसे सर्दी है, जुकाम, कोल्ड का फीवर, इस तरह से हो सकता है। फैमिली मेंबर्स आपस में दूसरे से बड़े चिड़े चिड़े से इरिटेटिंग मोड में रहेंगे, ध्यान रखिएगा। शनिवार रात 1 बजे से जो पूरा संडे का दिन है, यहाँ थोड़ा बच्चों का ध्यान रखना है, बच्चे आपके बड़े हों या छोटे हों उनकी केयर करिए। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, थोड़ा आपका मन यहाँ पर भटकेगा पढ़ने लिखने से। जो लोग रिलेशनशिप में है, पार्टनर से विवाद मत करिएगा। आपका दिमाग जो है ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग रहेगा, तो आप कोई ना कोई वजह ढूंढ ढूंढ के सबसे झगड़ने के मोड में रहेंगे, मतलब मन बड़ा स्थिर रहेगा, तो उसका आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, गुरु और सूर्य आपके 12वें भाव में चल रहे हैं, तो देखिए जो जो टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े होते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, ये आपका काम ही सेल्स मार्केटिंग का है, उनके लिए ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और फॉरेन रिलेटेड आपके कार्य भी करवाएंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, स्टडीज से आपको फायदा करा सकते हैं, और यात्राएं आपको खूब कराएंगे। बुध और शुक्र जो हैं आप लोगों के लाभ भाव में चल रहे हैं, मतलब कि 11th हाउस में चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको फाइनेंशियल गेन, प्रमोशन, पैसे, लाभ, स्टूडेंट है उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। फॉरेन से जुड़ करके आपको कुछ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम या एमएनसीज, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य है, उन सब चीजों से आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। मंगल और राहु आपके 10th हाउस में चल रहे हैं, तो देखिए प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीजें ठीक हैं, आप वहाँ इनके इन प्रकार इन कैसे न कैसे करके तो आप सक्सेस हो ही जाएंगे। दो दो मेल्फिक प्लेनेट बैठे हुए हैं, कंपटीशन में आपको ये मदद कर सकते हैं। फैमिली रिलेटेड जो चीजें होती हैं, थोड़ा वहाँ ध्यान रखिएगा, कलह क्लेश नहीं बढ़ने पाए, उसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके केतु चल रहे हैं 4th हाउस में, तो मदर या मदर से संबंधित जो चीजें होती हैं उसका केयर करना चाहिए आपको। और शनि आपके 9th हाउस में ही ट्रांजिट कर रहे हैं, तो एजुकेशन के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, आईटी प्रोफेशनल्स, जितने भी लोग सर्विस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काफी सपोर्ट करते रहेंगे। कंपटीशन वगैरह आप क्रैक कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कर्क के लिए। देखिए कर्क राशि लगन वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से मंगलवार दोपहर 1 बजे तक का जो समय है काफी अच्छा है। यहाँ आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे, सारे आपके कार्य पूर्ण होंगे, लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है, करीबियों का, फैमिली मेंबर्स का, फ्रेंड सर्कल का, तो सभी के साथ मिल करके आप अपने सारे जरूरी काम पूरे कर लीजिएगा। बड़े प्रसन्नचित्त रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, सारे इंपॉर्टेंट काम आप यहाँ पर अच्छे से शुरू कर सकते हैं और उसको पूरा भी कर सकते हैं।
मंगलवार दोपहर 1 बजे से गुरुवार शाम 7 बजे तक का जो समय है कर्क वालों के लिए औसत है। खान पान, बोली, भाषा, वाणी का ध्यान रखिएगा। पैसों का लेन देन बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, बोलने की वजह से किसी समस्या में फंस सकते हैं और मन थोड़ा सा यहाँ पर आपका अशांत या असंतुष्ट रहेगा। गुरुवार शाम 7 बजे से शनिवार रात 1 बजे तक का समय आपके लिए सपोर्ट करेगा। हर तरह से आपके लिए स्थितियां अनुकूल बनेंगी। नौकरी से फायदा, यात्राओं से लाभ, पैसों का लाभ, प्रसिद्धि, सारे कार्य पूर्ण हो रहे हैं। IT, टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया, कम्युनिकेशन, कोई भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, कोई भी आपकी जॉब प्रोफाइल है, सभी के लिए समय बहुत सहयोगी है, तो सारे कार्य कर लीजिएगा। यहाँ पर आप मीटिंग है, पेपर रिलेटेड आपके वर्क है, नए कार्य का प्रारंभ करना है, वो सब आप कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जिसको आप चाहते हैं आगे चल करके पूरा हो जाए, उसकी शुरुआत आप यहाँ पर करेंगे तो अच्छा रहेगा और ये समय आपको हर तरह से सफलतादायक रहेगा। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, पैसे भी मिल जाएंगे, जॉब से संबंधित आपके पॉजिटिव इवेंट्स होंगी। फिर शनिवार रात 1 बजे से जो पूरा संडे का दिन रहेगा ये थोड़ा सेंसिटिव रहेगा। पारिवारिक पक्ष यहाँ शांत हो सकता है, कलह क्लेश, वाद विवाद की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, या आपकी सेहत या आपकी मदर की हेल्थ में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, तो उसका ध्यान रख लीजिएगा, मतलब कि अशांति से बचाव कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ जितने भी कर्क वाले लोग हैं, देखिए गुरु और सूर्य आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, अच्छा है। मीडिया, आर्ट और पैसों से जुड़े हुए जितने भी काम है, बिजनेस, विवाह, संतान से जुड़े हुए आपको इवेंट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। फाइनेंशियल कुछ ना कुछ आपको फायदा अवश्य हो जाएगा। और उसके बाद देखिए बुध और शुक्र जो ग्रह हैं वो आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। नौकरी में, बिजनेस में आपको चेंजेस दे सकते हैं और कुछ आपको फायदा भी करवा सकते हैं। फैमिली से जुड़े हुए कुछ खर्चे करवाएंगे और किसी तरह का परिवर्तन, मतलब कि घर में किसी तरह का रिनोवेशन, ये सब आप कर सकते हैं। मंगल और राहु जो हैं वो आपके 9th हाउस में बैठे हुए हैं, तो आप काफी आपको ट्रेवलिंग देंगे और पढ़ाई लिखाई से जो करके जॉब रिलेटेड यात्राएं भी करवाएंगे, लेकिन ओवरऑल जो आपका व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उसका ध्यान रखिएगा। फादर की सेहत का ध्यान रखिएगा। यात्राओं में किसी तरह की दिक्कतें हो तो उससे भी बचाव कर लीजिएगा। पढ़ने लिखने की दृष्टि से अच्छा है। संतान से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं यहाँ पर हो सकती हैं। शनि आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, चोट चपेट से बचाव करिएगा। व्यवसाय में बड़े परिवर्तन करने से पहले काफी समझिएगा, जल्दबाजी में परिवर्तन मत करिएगा। और जो लोग रिलेशनशिप में है वहां भी आपको मेंटेन करके चलना चाहिए। जिनके बच्चे हैं, छोटे हैं, या आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, आपको थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे बहुत से कर्क वालों के संतान प्राप्ति भी होंगे, लेकिन जो शनि के आस्पेक्ट है आपके 5th हाउस में, तो कई बार क्या होता है कि मिस कैरेज या अबॉर्शन ऐसा कुछ भी दे देता है, क्योंकि आपका काराग्रह होता है ना, तो वो दृष्टि डालता है। हालांकि जुपिटर की दृष्टि आ रही है तो आपको मदद करेंगे, इसके बावजूद भी थोड़ा सेहत का ध्यान रखना चाहिए। कर्क के बाद फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए जितने भी सिंह राशि लगन वाले लोग हैं, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार दोपहर 1 बजे तक का जो समय है, अनावश्यक वह खर्चे या खर्चे यात्राएं हो रही हैं, पैसों का बचाव करिएगा। अनावश्यक जर्नीज मत करिएगा, जरूरी हो तो ही आप बाहर निकलिए। सेल्स वाली अगर आपकी जॉब है तब तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी जितना संभव हो बचाव करिएगा। चैटिस करते रहिएगा, स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, डॉक्टर हॉस्पिटल पर खर्चे के भी योग दिखाई पड़ रहे हैं। मंगलवार दोपहर 1 बजे से गुरुवार शाम 7 बजे तक का जो समय है सिंह वालों के लिए, ये अच्छा है। यहाँ पर आपके सारे कार्य पूर्ण हो रहे हैं, मान सम्मान, ऐश प्राप्ति, प्रतिष्ठा, लोगों का सहयोग, करीबों के साथ बहुत अच्छा आप समय व्यतीत करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट काम आप यहाँ पर पूरे कर सकते हैं और बड़े प्रसन्नचित रहेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो सारे जरूरी कार्य आप यहाँ पर कर लीजिएगा। गुरुवार शाम 7 बजे से शनिवार रात 1 बजे तक का जो समय है औसत रहेगा। बोली, भाषा, वाणी, खान पान का ध्यान रखिएगा। पैसों का लेन देन बिल्कुल भी मत करिएगा, किसी को उधार पैसे देना लेना ये सब काम नहीं करना है, उसमें दिक्कत हो सकती है। जैसे आपने पैसे दे दिए वो आपको वापस ही ना मिले, या रुक रुक के मिले, या परेशान हो जाए उसको वसूलने में, ये सब हो सकता है। और शनिवार रात 1 बजे से जो पूरा संडे का दिन है, स्थितियां यहाँ से आपके लिए अनुकूलता देना शुरू करेंगी, तो आपके सारे रुके अटके बिगड़े कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी से फायदा, पैसों का लाभ, मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। ये वो समय रहेगा जब आपको मीडिया, टूर, ट्रेवल्स, ऑनलाइन क्षेत्रों से लाभ हो सकता है, इंपॉर्टेंट कार्य कर सकते हैं, मीटिंग है, पीआर है, वीजा है, फाइल है, कहीं साइन करना है, ये सारे आप काम यहाँ पर करिए। नए कार्य का प्रारंभ भी कर सकते हैं, या ऐसा कोई काम जिसको आप चाहते हैं आगे चल करके वो कार्य आपका कंप्लीट हो जाए, उसकी शुरुआत आप करिए, उसके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ जितने भी सिंह वाले लोग हैं, गुरु सूर्य आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा है। आपको यहाँ पर जॉब रिलेटेड अच्छे इवेंट मिलेंगे, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट से फायदा, कुछ बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिल जाए ऐसा हो सकता है। पैसे आपको मिल सकते हैं, फैमिली रिलेटेड आपके कार्य पूर्ण हो सकते हैं, कॉम्पिटिशन वगैरह को आप अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, और जितनी भी कॉम्पिटेटिव चीजें होती हैं उसे आप बहुत अच्छे से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मंगल और
बुध और शुक्र आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो देखिए स्टडीज के लिए अच्छा है, जॉब रिलेटेड चीजों के लिए अच्छा है, सेल्स रोड ट्रेवल से आप जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा है, आईटी प्रोफेशंस के लिए भी समय बहुत अच्छा है, पैसे आपको जरूर कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। और मंगल राहु आपके 8th हाउस में चल रहे हैं, देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है जो पैसे होते हैं, जैसे पैसे वगैरह में तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा, बड़े निवेश से बचिएगा, कुछ ना कुछ पैसे आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, लेकिन गलत आपसे डिसीजन नहीं होने पाए इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल और मंगल आपके इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाते हैं, राहु के साथ में अष्ट भाव में बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट हैं, या कुछ भी आपका गूढ़ विषय वाला काम है, जमीन के अंदर से जुड़े हुए कुछ काम कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल वगैरह का काम है, डॉक्टर सर्जन लॉयर, उन लोगों के लिए ठीक है, उनके लिए उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मदर की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और निवेश वगैरह करने के पहले अच्छे से आपको स्टडीज कर लेना चाहिए। शनि आपके 7th हाउस में चल रहे हैं, तो आपका जो पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उससे जुड़े हुए इवेंट होंगे, महत्वपूर्ण निर्णय आप अच्छे से लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई फैसले मत करिएगा, यात्राएं आपके लिए बराबर होंगी, फैमिली से रिलेटेड कुछ कार्य आपके बन सकते हैं, क्योंकि बड़े प्लैनेट सारे आपके 4th हाउस के ऊपर आस्पेक्ट डाले हुए हैं, तो मकान है, गाड़ी है, व्हीकल है, ऐसा कुछ आपके साथ में घटनाएं हो सकती है, या कोई विशेष आपकी कंप्लीट हो जाए, इस तरह से आपके लिए दिख रहा है। केतु जो है आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, सेकेंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं केतु आपके, तो वो थोड़ा सा आपको खान मार्ग का बोली भाषा का ध्यान रखिएगा, हालांकि जुपिटर के एस्पेक्ट आ गए हैं तो केतु कोई बुरे प्रभाव आपको नहीं देंगे, काफी उन्होंने आपके फाइनेंशियल लॉसेस वगैरह कराए होंगे केतु ने अकेले बैठ करके सेकेंड हाउस में। कन्या की बात करते हैं, तो देखिए कन्या राशि लगन वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से मंगलवार दोपहर 1 बजे तक का जो समय है बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल फायदा हो रहा है आपको, आपको यहाँ पर कहीं से अचानक पैसों की प्राप्ति हो जाएगी, मान सम्मान यश प्राप्ति प्रतिष्ठा मिल रही है, कुछ विशेष कंप्लीट आपकी हो रही है, बच्चों से फायदा, रिलेशनशिप में आपको कुछ लाभ हो सकता है, प्रेम संबंधों से कुछ फायदा हो सकता है, या आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाए, बड़े भाई बहन करीबियों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, जो लोग एनजीओ से काम करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है, कुछ विशेष कंप्लीट होंगे और फाइनेंशियली आप यहाँ पर बहुत फायदा आपको मिल सकता है। मंगलवार दोपहर 1 बजे से गुरुवार शाम 7 बजे का समय अनावश्यक वह खर्चे यात्राएं और यात्राओं में निरर्थक जो समय नष्ट होता है ऐसा कुछ रहेगा, तो चैटिस करते रहिएगा, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और जर्नी जितना ज्यादा संभव हो अवॉइड करिएगा, मत जाइएगा, बहुत जरूरी हो तो ही जाइएगा, नहीं वो काम आपका होना नहीं, समय भी वेस्ट हो, इस तरह के कुछ योग बनेंगे। इसके बाद गुरुवार शाम 7 बजे से शनिवार रात 1 बजे तक का जो समय है ये आपके लिए सहयोग देना शुरू करेगा, रुके अटके बिगड़े कार्य पूर्ण होंगे, मान सम्मान यश प्राप्ति प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, महत्वपूर्ण कार्यों को कर सकते हैं, सभी का सहयोग आपको मिल रहा है, करीबियों का, मित्र वर्ग का, लोगों से आप बहुत यहाँ पर संतुष्ट रहेंगे, सब लोग मिलकर के आपके कार्यों को करवाएंगे, आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे, समाज में आपको बहुत अच्छी निगाह से देखा जाए, या आपको इतनी सक्सेस मिल जाए, फेम मिल जाए, मतलब कि आपके सारे कार्य जो है यहाँ पर अच्छे से हो रहे हैं, तो उसका फायदा लीजिएगा। शनिवार रात 1 बजे से जो पूरा संडे का दिन है यहाँ पर आपको बोली भाषा वाणी खान पान का ध्यान रखना है, पैसों का लेन देन बिल्कुल मत करिएगा, किसी को पैसे उधार देना, किसी से उधार लेना, ये सब काम नहीं करिएगा, बोलने की वजह से कुछ दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सा आप यहाँ पर असंतुष्टि वाले भाव में रहेंगे, चीजें सब होती रहेंगी लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आप खुश नहीं है, हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब मन ही मन आप बड़े परेशान रहेंगे, तो शांति से समय को निकाल लीजिएगा। इसी के साथ साथ जितने भी करने वाले लोग हैं, देखिए गुरु और सूर्य आपके भाग्य भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कुछ खर्चे आपके हो रहे हैं यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड चीजों के ऊपर या फादर के ऊपर, कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं, यात्राएं आपकी हो सकती हैं बिजनेस को लेकर के, स्टडीज को लेकर के, या फैमिली से जुड़े हुए जो कार्य हैं उससे उससे जुड़कर के कुछ जर्नीज भी आपको मिलेंगी, व्यक्तित्व में एक आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, आईटी टू ट्रेवल्स मीडिया से जुड़ा हुआ, सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हुए वहां आपको फायदा हो जाएगा, स्टडीज और बच्चों से जुड़े हुए आपके इवेंट हो सकते हैं, जैसे बहुत से लोग यहाँ पर संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, प्रेगनेंसी कंसीव करना, या बच्चे नहीं हो रहे थे, कुछ बच्चों की लाइफ में किसी तरह की दिक्कतें थी, वो सब चीजें ये प्लेनेट मिलकर के दूर करवाएंगे, तो अच्छी बात है, खर्चे होंगे, फादर की सेहत का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, उस पर कुछ पैसे जाने के योग दिखाई पड़ रहे हैं, बुध और शुक्र दोनों ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, थोड़ा सेहत का ध्यान रखिएगा, और जो भी पैसे वगैरह आप निवेश करते हैं उसका ध्यान रखना है, फादर की सेहत का आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस से, इंफॉर्मेशन जो ये आईबी सेक्टर होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, गुप्तचर विभाग, डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, लॉयर्स, उनके लिए उतनी दिक्कत की बात नहीं है, अदरवाइज थोड़ा आपको हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, पैसे जरूर कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएंगे, और मंगल राहु आपके 7th हाउस में चल रहे हैं, तो बिजनेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, आपके व्यापार को बढ़ाने का ही काम करेंगे, जॉब का प्रोफेशन वाला एरिया है, बिजनेस वाला एरिया है, उसका एक्सपांशन भी करवा सकते हैं, लेकिन
पार्टनरशिप में आपको ध्यान रखना है, हस्बैंड वाइफ है, किसी तरह का मतभेद चल रहा है तो चीजों को आप टालने का प्रयास करिएगा, होल्ड पर रखिएगा, बड़े निर्णय मत करिएगा। पार्टनरशिप में मतभेद हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो केसेस वगैरह चलते रहते हैं डिवोर्स वगैरह के, ये सब बड़े चीजें मत करिएगा क्योंकि ये समय सही नहीं है। जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं, फिर बाद में जब वही ग्रह ठीक पोजिशन पर चले जाते हैं तो मन को पछतावा होता है कि अलग नहीं होना था, गलत काम नहीं। मतलब दाम्पत्य को बचा करके रखिएगा। केतु आपके लग्न में है लेकिन अब अच्छी स्थिति है क्योंकि जुपिटर उनको अब देखेंगे संभालेंगे, तो थोड़ा लिखना पढ़ना सीखना, पॉजिटिविटी, दान धर्म और जितने भी अच्छी चीजें होती हैं, पढ़ाई लिखाई और एक जो लोगों की मदद करने की प्रवृत्ति हो, इस चीज का आपका विस्तार होगा। अभी तक लग्न में केतु बैठ करके आपको काफी कंफ्यूज किए हुए थे। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए तुला राशि लग्न वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से मंगलवार दोपहर 1 बजे तक का जो समय है नौकरी में बहुत मदद करेगा। नौकरी बिजनेस में आपको लाभ मिल रहा है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, करियर में ग्रोथ, बॉस आपके लिए काफी सहयोगी हो रहे हैं, पैसे, बोनस, इंक्रीमेंट, ये सब कुछ आपका यहाँ पर हो सकता है। मंगलवार दोपहर 1 बजे से गुरुवार शाम 7 बजे तक आपको फाइनेंशियली बहुत फायदा हो रहा है। रुकेट के पैसे प्राप्त हो सकते हैं, अचानक से कुछ विशेष कंप्लीट हो जाए, पैसे मिल जाएं, या बच्चों से लाभ हो जाए, रिलेशनशिप के माध्यम से आपको कुछ फायदा हो जाए, बॉसेस आपके लिए बहुत सहयोगी हो जाए, कोई ना कोई आपकी यहाँ पर विश पूर्ण होती हुई दिखाई पड़ रही है। और बहुत ही अच्छा समय है, जो लोग सोशल वेलफेयर में काम करते हैं, एनजीओ से काम करते हैं जो करके, उनके लिए भी समय बहुत अनुकूलता दे रहा है। गुरुवार शाम 7 बजे से शनिवार रात 1 बजे तक का समय आवश्यक व्यय, खर्चे, यात्राएं, स्वास्थ्य में दिक्कत इस तरह का रहेगा, तो जरूरी हो तो ही जन इस पर जाए, अदरवाइज अवॉइड करें। माँ की सेहत का ध्यान रखें, थोड़ी बहुत दान धर्म करते रहिएगा और जितने संभव हो कहीं जाने से बचिएगा, नहीं तो स्वास्थ्य को भी दिक्कत होगी, पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे, समय भी आपका खराब होगा। शनिवार रात 1 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन है, यहाँ से स्थितियां आपके लिए अनुकूल होंगी। पीछे जो कुछ आपकी दिक्कतें चल रही थी वो सब दूर होंगी, कार्य पटरी पर आना शुरू होंगे, तो इम्पोर्टेंट काम को आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। लोगों का आपको सहयोग मिल रहा है, मान सम्मान आपका बढ़ रहा है, इच्छाएं पूर्ण हो रहे हैं, या करीबियों के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं, अति आत्मविश्वास से यहाँ पर आप भरे रहेंगे। इसी के साथ साथ जितने भी तुला वाले लोग हैं, गुरु और सूर्य आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। देखिए सेहत से संबंधित अगर आपको कोई भी दिक्कत है पहले से, जैसे कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, लीवर से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम है, फैटी लीवर वगैरह है, तो उसका ध्यान रखिएगा। बाकी दोनों ही प्लेनेट मिलकर के आपको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, पैसे मिल सकते हैं, एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, इंश्योरेंस के पैसे, या पहले से जो निवेश किया हुआ होता है ऐसा कुछ आप लोगों को पैसा यहाँ पर मिल सकता है, तो उस दृष्टि से अच्छा है। और बाकी आपके जो गुरु हैं काफी आपको ट्रेवल देंगे और फैमिली में कुछ अच्छे काम भी करवा सकते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स आपके यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे, कंस्ट्रक्शन वगैरह हो सकता है, पैसे आपको ये दोनों प्लेनेट मिलकर जरूर देंगे। सिर्फ सेहत का ध्यान रख लीजिएगा, है ना, क्योंकि गुरु आपके यहाँ पर बहुत अकारक ग्रह होते हैं और सूर्य के साथ में जो कि 11th के लॉर्ड होते हैं, मार्केश का, बाधकेश का काम करते हैं, तो अष्टम में सारा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। गलत अनैतिक कार्यों से जरूर बचाव करिएगा, गलत रिश्ते, गलत क्रियाकलाप, क्योंकि दोनों ही सात्विक प्लेनेट है और 8वां भाव जो होता है अंधकार का भाव होता है, जब वहां आते हैं ना तो उस चीज को उजागर कर देते हैं, तो आपने जो कुछ गलत किया होगा वो सब आपका लोगों के पब्लिक के बीच में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। बुध और शुक्र दोनों ही महत्वपूर्ण प्लेनेट आपके सप्तम भाव में है, आपके व्यक्तित्व को मजबूती दे रहे हैं, बिजनेस में आपको फायदा होगा, पार्टनर के साथ अच्छी बॉन्डिंग बन रही है और हर तरह से ये आपके लिए सहयोगी रहेंगे। मंगल राहु आपके 6ठे भाव में चल रहे हैं, देखिए तो फाइनेंशियली तो ठीक है, कुछ आपकी यात्राएं भी होंगी, चाहे अपने बिजनेस से जुड़ करके या आपके जॉब से रिलेटेड कुछ जर्नीज हो सकती हैं, खर्चे भी थोड़े बहुत होंगे आपके यहाँ पर, शत्रुओं से आपको यहाँ पर मुक्ति मिल सकती है, पहले के कुछ आपके परेशानियां हैं जैसे लड़ाई झगड़े कलह क्लेश चलते रहते हैं, उसमें आपको सफल होने के योग बनेंगे, लेकिन अनावश्यक आप झगड़े वाद विवाद मत करिएगा क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी ना, मंगल राहु आपके 6ठे में रहेंगे तो पुराने तो आप सॉल्व करेंगे ही, नए नए मत अपने लिए क्रिएट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैल्फिक प्लैनेट 3 3 में 6 में 10th में 11th में होते हैं तो व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है, बहुत वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रहता है, तो वो कई बार गलत काम भी कर लेता है, इतना बचाव कर लीजिएगा तो आपके लिए ठीक रहेगा। केतु 12वें में चल रहे हैं आपके, तो ठीक है, उनके ऊपर गुरु की दृष्टि भी जा रही है, तो मंत्र साधना, मोक्ष, अकल्ट स्टडीज ये सब करते रहिएगा जिससे केतु आपके संतुष्ट रहे। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से मंगलवार दोपहर 1 बजे तक का जो समय है,
थोड़ी बहुत यात्राएं होंगी यहाँ पर, पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, उनसे वैचारिक मतभेद हो सकता है या उनके स्वास्थ्य में किसी तरह की दिक्कत आ जाए। आप यहाँ पर कोई भी टेस्ट लिखने पढ़ने का काम करें, कोई पेपर डिस्पैच करें, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे, तो थोड़ा केयरफुल उसको देख लीजिएगा, वॉच करके फिर आगे बढ़िएगा। मंगलवार दोपहर 1 बजे से लेकर के गुरुवार शाम 7 बजे तक का जो समय है, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। नौकरी बिजनेस ग्रोथ की ओर जा रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सैलरी में जो एक इंक्रीमेंट होता है, बोनस, ये सब कुछ आपके साथ में हो सकता है, तो फायदा लीजिए। करियर आपका यहाँ पर काफी सपोर्ट करेगा। गुरुवार शाम 7 बजे से लेकर के शनिवार रात 1 बजे तक का जो समय है, फाइनेंशियली आपको मदद कर रहा है, अचानक से रुकेट के पैसे प्राप्त हो सकते हैं और कुछ आपकी विशेष कंप्लीट हो सकती हैं, बच्चों से लाभ, किसी तरह की रिलेशनशिप में है वहां से आपको फायदा हो सकता है, बॉसेस आपके लिए काफी सहयोगी हैं, कोई बहुत लंबे समय से कुछ आपका काम अटका हुआ था या पैसे रुके हुए थे या कोई आपकी इच्छा अधूरी थी, वो सब कुछ यहाँ पर पूरी हो सकती है। आप कोई भी सोशल वेलफेयर से जुड़ करके काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत यहाँ पर लाभ होगा, आपको यहाँ पर बहुत नई फेम मिल सकती है, ये एक अच्छी चीज है। शनिवार रात 1 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन है, अनावश्यक व्यय, खर्चे, वाद विवाद, कलह क्लेश, एक वेस्ट जाने वाला जो समय होता है ना, इस तरह का रहेगा, तो बहुत जरूरी हो तो ही आप जर्नीस करिएगा, अदरवाइज थोड़े बहुत दान धर्म करते रहेगा, चैरिटीज करते रहेगा, कोई निवेश करते हैं तो अच्छे से समझ करके ही करिएगा, और माँ की सेहत का ध्यान रखना चाहिए आपको यहाँ पर, और बहुत जरूरी हो तो ही आप जर्नीस करिए, अदरवाइज उसमें आपको नुकसान ही होगा। इसी के साथ साथ जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, गुरु और सूर्य आपके 7th हाउस में चल रहे हैं, तो आपको मीडिया, ऑनलाइन क्षेत्रों से लाभ, कहीं ना कहीं से पैसों का फायदा, व्यक्तित्व तो में एक मजबूती, और आपको पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन में कुछ अच्छा आपके साथ में हो सकता है, करियर ग्रोथ आपको यहाँ पर मिल सकती है। और बुध शुक्र आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, देखिए तो नौकरी की दृष्टि से अच्छा है, पैसे वगैरह आपको यहाँ पर बेवजह के मत खर्च करिएगा, मतलब पैसे आपके बहुत ज्यादा यहाँ पर खर्च होने के भी योग बनेंगे, उसका ध्यान रख लीजिएगा। बाकी आपका जो प्रोफेशन है उसके लिए अच्छा रहेगा, उसमें उसमें मरकरी आपको सपोर्ट करेगा, और वृश्चिक वालों के लिए शुक्र जो ग्रह है आप लोगों के लिए, पार्टनर की जो सेहत होती है उसका आपको ध्यान रखना रहेगा, उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, और पैसे जरूर से ज्यादा मत खर्च करिएगा, यहाँ कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आपके पैसे बहुत ज्यादा खर्च होना शुरू हो जाएंगे, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल और राहु आपके 5th हाउस में है, तो ये देखिए पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप वगैरह में है तो अच्छे से समझ करके करिएगा, यहाँ पर जो भी आपका प्रेम संबंध बनता है उसमें किसी तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्प्यूट, डिफरेंसेस, ये सब हो सकता है, और जो लेडीज प्रेग्नेंट है उनको अपनी प्रेगनेंसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, या किसी की डिलीवरी होने वाली है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऑपरेशन के थ्रू कुछ आपका हो, बाकी आपको फाइनेंशियली प्लेनेट सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट से फायदा दिलवा सकते हैं, स्टडीज के लिए बहुत ही अच्छे हैं, ओवरऑल जो आपका व्यक्तित्व है उसमें एक बहुत मजबूती देखने को मिलेगी। शनि आपके 4th हाउस में है, तो आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके सारे कार्य करवा देंगे, कंस्ट्रक्शन है, मकान, व्हीकल, घर से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं उसको ये पूर्ण कर लेंगे, और जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं आपके लग्न के ऊपर जिन तीन ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, तो सेहत में किसी तरह की दिक्कत होगी तो ध्यान रखिएगा, बाकी आपको नेम फेम देने में काफी ज्यादा चांसेस दिखाई पड़ेंगे, कुछ अच्छा आपको प्रसिद्धि मिल जाए। भविष्य की बात फिर बात करते हैं। धनु वालों के लिए देखिए, धनु राशि लग्न वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से मंगलवार दोपहर 1 बजे तक का जो समय है बहुत सेंसिटिव है, यहाँ पर बिल्कुल शांति से रहिएगा और अपने मन का ध्यान रखिएगा, मेंटली इमोशनली आप काफी डाउन रहेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट काम, पेपर रिलेटेड वर्क, मीटिंग, पेपर पे साइन करना, नए काम प्रारंभ करना मत करिएगा, पैसों का लेन देन भी यहाँ पर आपको नहीं करना है, कोई भी काम नया करना है नहीं करिएगा, अदरवाइज वो सारी चीजें आपके रुक जाएंगी, अटक जाएंगी या वो पूरी ही नहीं होंगी। मंगलवार दोपहर 1 बजे से लेकर के गुरुवार शाम 7 बजे तक का जो समय है, यहाँ पर कुछ यात्राएं हो सकती हैं, फादर की सेहत का ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, या आपका उनसे किसी बात पे वाद विवाद हो जाए, कोई भी पेपर रिलेटेड आप वर्क करते हैं, पेपर मैसेज दे रहे हैं कहीं आप, या कोई आप पेपर वगैरह डिस्पैच कर रहे हैं, तो उसमें आपसे कोई गलतियां नहीं होने पाए, मिस्टेक्स नहीं होने पाए, उसका ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप यहाँ पर असंतुष्ट से रहेंगे, घूम भी जा सकते हैं चाहे पढ़ने लिखने की वजह से, या कहीं आप टेम्पल वगैरह पर विजिट कर सकते हैं। गुरुवार शाम 7 बजे से लेकर के शनिवार रात 1 बजे तक का जो समय है धन वालों के लिए, प्रोफेशनली बहुत मदद करेगा, आपके नौकरी में, बिजनेस में काफी ग्रोथ होगी, पैसे, सैलरी, इंक्रीमेंट, बोनस का लाभ मिल सकता है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब में कुछ अच्छा हो जाए, बॉसेस आपके लिए काफी सपोर्टिव हो जाए, जो आपके साथ के लोग हैं, जो आपके कलीग्स हैं वो आपके लिए बहुत सहयोगी हो सकते हैं, बिजनेस का विस्तार हो सकता है, मतलब करियर आपका काफी ग्रोथ पे जाएगा यहाँ पर।
शनिवार रात 1 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन है फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। आपको यहाँ पर कुछ विशेष कंप्लीट हो सकती है, रुकेट के आपके पैसे प्राप्त हो सकते हैं, बच्चों से फायदा रिलेशनशिप में है वहां से कुछ लाभ हो जाए, एनजीओ सोशल वेलफेयर से जुड़ करके कुछ काम कर रहे हैं वहां से आपको नेम फेम मिल जाए, पैसों से जुड़े हुए कुछ आपके अच्छे इवेंट यहाँ पर हो सकते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी धन वाले लोग हैं, गुरु और सूर्य आपके छठे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो देखिए सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्पेशली जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या फैटी लीवर होता है वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोफेशन में आपको मदद करेंगे और कुछ आपके खर्चे भी कराएंगे, इसी के साथ साथ फैमिली में कुछ शुभता वाले इवेंट भी दे सकते हैं। नौकरी भी यदि आप हैं तो बहुत अच्छा है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रमोशन ये सब कुछ आपको दिलवा सकते हैं दोनों ही प्लेनेट मिलकर के। बुध और शुक्र की बात करते हैं, तो बुध और शुक्र आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो देखिए आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। आपके लाइफ पार्टनर के यहाँ पर काफी सक्सेस होने की, ग्रोथ मिलने के चांसेस हो रहे हैं, लेकिन जो आपका जॉब एरिया है, जो आपका बिजनेस एरिया है, वहां की चीजों को थोड़ा मेंटेन करके रखिएगा, उसमें सडन किसी तरह का फ्लक्चुएशन आ सकता है। जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं पूरा मन लगा करके करिएगा, अदरवाइज उसमें आपको थोड़ी सी रुकावट देखने को मिल सकती है। और शनि जो है, शनि किसी भी तरह के जो फाइनेंशियल ट्रांजिशन होते हैं, मतलब आपका कुछ पहले से कुछ रुका अटका हुआ पैसा है, वो सब भी आपको यहाँ पर मिलने के काफी अच्छे योग बन जाएंगे, तो ये एक अच्छी चीज है। और जो भी रिलेशनशिप होता है वहां पर आपके लाइफ पार्टनर के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर आप किसी तरह के रिलेशनशिप में, तो उसमें बीच बीच में थोड़ा सा डिफरेंसेस भी देखने को यहाँ पर मिलेंगे। मंगल और राहु जो है आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, वो देखिए ये जो समय रहेगा आपके लिए प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन ये सब कुछ करवा सकते हैं, करियर के लिए मदद करेंगे, लेकिन पारिवारिक पक्ष जो है उसका ध्यान रखिएगा, माँ की हेल्थ या कलह क्लेश अशांति इस तरह का कुछ आपके घर में हो सकता है, उतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शनि आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो देखिए मीडिया है, ऑनलाइन क्षेत्र है, स्टडीज है, और विदेशों से जो जुड़े हुए कार्य हैं, डॉक्यूमेंट से जुड़े हुए, वो सपोर्ट कराने में काफी आपको सहयोग करेंगे। कि तो आपके चूंकि 10th में चल रहे हैं, तो जॉब से जुड़े हुए जो इवेंट्स हैं वहां पर किसी तरह के बड़े बदलाव के पहले थोड़ा देखिएगा, समझिएगा, जल्दबाजी में बगैर सोचे समझे परिवर्तन मत करिएगा, क्योंकि जब भी दशम में केतु रहता है तो कई बार ये व्यक्ति को बगैर सोचे समझे डिटेस्ट करने का काम करता है, और पारिवारिक जो शांति है उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। धनु के बाद फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। सोमवार सुबह 6 बजे से मंगलवार दोपहर 1 बजे तक का जो समय है बहुत ही अच्छा है। पार्टनरशिप से फायदा, यात्राओं से लाभ, पैसों का लाभ, नेम फेम प्रसिद्धि सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रही है, हर तरह से स्थिति आपके लिए अनुकूल है, और ये वो समय रहेगा जब आपको पार्टनरशिप में फायदा हो सकता है। किसी तरह के रिलेशनशिप में है आप मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, बिजनेस में किसी को भागीदारी में लेकर के आ सकते हैं, आप हस्बैंड वाइफ है किसी तरह के विवाद चल रहे हैं तो उसको मिल बैठ करके उसको सुलझा सकते हैं। ये वो टाइम पीरियड है जब आपके लिए जितने भी ऐसे कार्य होते हैं जो किसी के साथ में मिलकर किए जाते हैं उसके लिए समय बहुत अच्छा है। आपको यहाँ पर प्रमोशन होना, पैसे मिलना, लोगों की निगाह में आ जाना, मतलब आपकी पर्सनालिटी में तरीके से काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, सारे कार्य आपके यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। मंगलवार दोपहर 1 बजे से लेकर गुरुवार शाम 7 बजे तक का जो समय है बहुत सेंसिटिव है, शांति से रहिएगा, बड़े निर्णय नहीं करना है, मीटिंग, पेपर रिलेटेड वर्क या कोई पैसा आपको कहीं लगाना है या किसी तरह का बिजनेस शुरू करना है, पार्टनरशिप करनी है, किसी भी चीज के लिए समय अच्छा नहीं है। पैसों का लेन देन भी मत करिएगा, ना किसी को उधार दीजिएगा ना लीजिएगा, नहीं तो वो लॉस होने के चांसेस बन जाएंगे। गुरुवार शाम 7 बजे से लेकर के शनिवार रात 1 बजे तक का जो समय है मकर वालों के लिए, थोड़ी बहुत यात्राएं हो सकती हैं, फादर की सेहत का ध्यान रखिएगा, उनसे वैचारिक मतभेद कलह क्लेश हो सकता है, या किसी बात पर जो एक विवाद होता है, मन भेद होता है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। यात्राएं आपकी थोड़ी बहुत हो सकती हैं छिटपुट, लेकिन अगर आप कुछ भी पेपर रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, कोई पेपर डिस्पैच कर रहे हैं, कुछ टेक्स्ट वगैरह कर रहे हैं, वहां से कुछ गलतियां होने के भी योग दिखाई पड़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा मिस्टेक नहीं होने पाए, माने जो भी आप डॉक्यूमेंट से जुड़े हुए कार्य करते हैं वहां आपको ज्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं। इसके बाद शनिवार रात 1 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन है ये आपके सर्विस और बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा, हालांकि वीकेंड का दिन रहेगा, लेकिन फिर भी बिजनेस से रिलेटेड आपको कुछ गुड न्यूज मिल सकती है, करियर ग्रोथ की ओर जा सकता है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, सैलरी इंक्रीमेंट, बोनस, जो बॉस है उनके द्वारा आपको कुछ अच्छे यहाँ पर मैसेज या कुछ अच्छे जॉब रिलेटेड इवेंट हो सकती है, या बिजनेस में जैसा आप चाह रहे थे वैसा कुछ ग्रोथ देखने को मिल जाए,
करियर पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंड आपके लिए अच्छा रहेगा, जो कंटिन्यू रहेगा मंडे को भी। इसी के साथ साथ जितने भी मकर मकर वाले लोग हैं, देखिए गुरु और सूर्य आपके फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो जैसे एजुकेशन है, हायर स्टडीज है, बच्चे हैं, जो गेंस होते हैं ये सब कुछ आपको होगा। थोड़े बहुत जो खर्चे भी होंगे वो आपके पढ़ाई लिखाई के ऊपर या आपके बच्चों से रिलेटेड कुछ अच्छे कार्यों के ऊपर हो सकते हैं। जो स्टूडेंट रिसर्च से जुड़ करके कुछ काम करना चाहते हैं उनके लिए दोनों ही प्लैनेट बहुत मदद करेंगे। और बुध और शुक्र आपके फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, देखिए तो जो फैमिली से रिलेटेड कार्य होते हैं उसको ये पूरा करवाएंगे। कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है, रिनोवेशन है, ये सब कुछ आपका पूर्ण करवा सकते हैं। ये आपका जॉब ही जो है सेल्स से टूर ट्रेवल्स मार्केटिंग आईटी से जुड़ा हुआ है, वहां पर ये प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर देंगे। लेकिन मदर की सेहत का थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल राहु आपके थर्ड हाउस में चल रहे हैं, तो देखिए काफी आप यहाँ पर अग्रेसिव बहुत ही आक्रामक मूड पे चल रहे हैं। तो आईटी है, मीडिया है, गेम्स है, किसी भी तरह के आप प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों के लिए प्लैनेट अच्छा सपोर्ट करेंगे। फार्मास्यूटिकल से जुड़ा हुआ कुछ आपका बिजनेस है या सर्विस है उन लोगों के लिए अच्छा है। तो भाषा शैली वाणी का ध्यान रखिएगा, किसी से अनावश्यक कोई उलझिएगा मत। हालांकि आप अपनी मेहनत से सारी चीजों को अच्छे से सॉल्व भी करेंगे, बड़े आप यहाँ पर एनर्जेटिक रहेंगे, काफी आपके अंदर पराक्रम रहेगा, तो आप सारे कार्यों को यहाँ पर अच्छे से निपटा सकते हैं। केतु आपको काफी यात्राएं करवा रहे हैं, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, पढ़ने लिखने की ओर प्रेरित कर रहे हैं। शनि जो है आपके धन भाव में चल रहे हैं, तो फैमिली और पैसों से जुड़े हुए आपके जो कार्य हैं उसको लंबे समय के लिए वो कुछ ना कुछ पूरा करा के ही जाएंगे। कंस्ट्रक्शन वगैरह में मदद कर देंगे, गवर्नमेंट से फायदा दिलवा सकते हैं। इस तरह से आपके लिए सप्ताह जाने वाला है। कुंभ वालों के लिए बात करें तो सोमवार सुबह 6 बजे से मंगलवार दोपहर 1 बजे तक का जो समय है बहुत अच्छा है। यहाँ पर काफी आपको सफलताएं मिल रही हैं, आपके सारे कार्य पूर्ण हो रहे हैं, स्वास्थ्य में लाभ, नौकरी से फायदा, पैसों से लाभ, यात्राओं से लाभ, किसी भी तरह का आप पीछे कुछ दिक्कत चल रही थी वो सब यहाँ पर दूर होते हुए दिखाई पड़ेगी। कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, केस मुकदमा जो दायर करना होता है वो सब आप लॉयर से मिल करके कर सकते हैं, वहां पर सफल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अच्छे डॉक्टर, अच्छे मेडिसिन आपको यहाँ पर मिल सकती है। करियर में ग्रोथ, प्रमोशन, पैसों का फायदा, यात्राओं से फायदा, हर एक तरह से ये समय आपके लिए सपोर्ट कर रहा है। सारे जरूरी काम आप यहाँ पर कर लीजिएगा। मंगलवार दोपहर 1 बजे से लेकर के गुरुवार शाम 7 बजे तक का जो समय है ये आपके लिए यात्राएं लेकर के आ रहा है। बिजनेस से फायदा, पार्टनरशिप से फायदा, बहुत आपको यहाँ नेम फेम मिल रही है, पैसे भी मिल रहे हैं, भागीदारी से आपको लाभ हो रहा है। ये वो टाइम पीरियड है जब आपको अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है, और हस्बैंड वाइफ के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं उसको सुलझाने के लिए समय अच्छा है। रिलेशनशिप में आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, किसी को आप अपने बिजनेस में भागीदारी में लेकर के आ सकते हैं, नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये समय आपको हर तरह से सपोर्ट कर रहा है, पैसे दिलाएगा, नेम फेम भी दिला देगा, कार्यों में काफी आपको विस्तार करवा देगा, सोसाइटी में आपको एक अलग पहचान दिलवा दे सकता है। तो आप सारे जरूरी काम कर लीजिएगा। गुरुवार शाम 7 बजे से शनिवार रात 1 बजे तक का जो समय है काफी सेंसिटिव है, बिल्कुल शांति से रहिएगा। बड़े कार्य नहीं करना है, पेपर मीटिंग करना, कहीं साइन करना, किसी के साथ मिलकर के कोई बहुत बड़े बड़े जो प्लानिंग किए जाते हैं वो नहीं करना है। पैसों को लेन देन बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी को पैसा देना, उधार किसी से लेना, ये सब मत करिएगा। और कोई भी नए काम का प्रारंभ भी मत करिएगा, सिर्फ अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शनिवार रात 1 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन है ये भी औसत है, थोड़ी बहुत यात्राएं हो सकती हैं, फादर की सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है, या किसी बात पर आपको उनसे कहा सुनी वाद विवाद हो जाए, ऐसे योग भी दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर जो भी आप बोलते हैं, लिखते हैं, टेक्स्ट करते हैं, कुछ पेपर वगैरह से जुड़ करके काम करते हैं उसका थोड़ा भी ध्यान रखिएगा, उसमें आपसे मिस्टेक होने के भी योग बन सकते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी कुंभ वाले लोग हैं आप लोगों के लिए गुरु और सूर्य आपके फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं, तो देखिए प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य है आपके लाइफ पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है। पैतृक संपत्ति का लाभ, फाइनेंशियल गेन, विदेशों से जुड़े हुए कार्य करवा सकते हैं। आपके पार्टनर की काफी अच्छी यहाँ पर ग्रोथ हो सकती है, उनके जॉब रिलेटेड काफी अच्छे कार्य हो सकते हैं, गवर्नमेंट से फायदा हो सकता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके काफी कार्य यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं। बुध और शुक्र जो है आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो देखिए मीडिया है, ऑनलाइन क्षेत्र है, आर्ट से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह के आप कला जगत से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए समय अच्छा है। जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनके लिए यहाँ पर अच्छे अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, आप अच्छे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप क्रैक कर सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। मंगल राहु आपके सेकेंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो देखिए थोड़ा सा अपने खान पान, बोली भाषा, वाणी का ध्यान रख लीजिएगा, उसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। हालांकि फाइनेंशियली दोनों ही प्लेनेट आपको सपोर्ट करेंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं देंगे।
रिसर्च वगैरह से जुड़ा काम है उसमें आपको मदद कर देंगे, लेकिन आपके बोलने की वजह से परिवार में कलह क्लेश अशांति बढ़ सकती है। शनि आपके लगन में चल रहे हैं तो ठीक है, सहयोग बनाए हुए हैं, कुछ खर्चे करवा रहे हैं, मीडिया ऑनलाइन क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्य व्यवसाय प्रोफेशन रिलेटेड इवेंट देंगे, उसका फायदा लीजिएगा। केतु आप लोगों के लिए अष्टम भाव में चल रहे हैं, तो देखिए अभी तक क्या था, केतु अकेले थे तो बहुत ज्यादा एकांत दे रहे थे। अब आप लोग क्या करिएगा कि जैसे कुछ भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, जैसे रहस्य रिसर्च है, अकल्ट है, वेद पुराण है, या कुछ भी आप साधना करिए, मंत्र जाप करिए, ऐसा कुछ जरूर करते रहिएगा। उसमें आपको काफी मन भी लगेगा और आपके लिए अच्छा भी रहेगा। और ड्राइविंग वगैरह करते हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा, लोअर बॉडी पार्ट का ध्यान रखिएगा। कोई विशेष आपको नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर के एस्पेक्ट है तो आप आपको बचा लेंगे। पहले जब तक केतु अकेले थे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, लेकिन साधना से जरूर जोड़ करके रखिएगा। कुछ भी आप योगा करिए, कुछ भी करिए, लेकिन लिखना पढ़ना सीखना व्यायाम योगा कुछ भी करिए, जिससे केतु संतुष्ट होते रहे। आपका 4-8-12 मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट होके रखा हुआ है ना, तो सीखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज एक तरह से आइसोलेशन महसूस होगा, आपको अकेला अकेला फील होगा, ऐसा लगेगा कि आप पूरी दुनिया में अकेले हो गए हैं। तो ये सारी नेगेटिव थॉट आपके अंदर नहीं आने पाए, इसलिए आप थोड़ी सी मंत्र साधना पूजा ये सब जरूर करिएगा। कुंभ के बाद फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए मीन राशि लगन वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से मंगलवार दोपहर 1 बजे तक का जो समय है औसत है। बच्चों का ध्यान रखना है, बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं उनका केयर करिए। जो लोग रिलेशनशिप में है अच्छे से बना करके चलिएगा, पार्टनर से बिना वजह के उलझिएगा मत। स्टूडेंट लोगों का यहाँ पर फोकस पढ़ने में थोड़ा कम लगेगा। ये वो समय है जब आप अपना अपने मन को, अपने बुद्धि दिमाग को अगर अपनी हॉबीज के ऊपर लगा देते हैं, जो भी आपको पसंद है, लिखना पढ़ना सीखना, डांसिंग सिंगिंग, या जो भी आपके जिस भी आर्ट में आपको इंटरेस्ट है उस पर करेंगे, तो आपका मन जो है वो इंगेज रहेगा। तो आप बिना मतलब ही किसी से उलझेंगे नहीं, अदरवाइज मन बहुत ज्यादा आपका यहाँ पर विचलित होता रहेगा। मतलब बेवजह आपका दिमाग किसी से लड़ने झगड़ने के लिए करता रहेगा। मंगलवार दोपहर 1 बजे से लेकर के गुरुवार शाम 7 बजे तक का जो समय है ये आपके लिए अच्छा है। यहाँ से स्थितियां आपके लिए काफी अनुकूलता देना शुरू करेंगी। आपके सारे रुके टिके बिगड़े कार्य पूर्ण होंगे, नौकरी से लाभ, यात्राओं से फायदा, यहाँ पर आपको नेम फेम मिल सकता है, पैसे मिल सकते हैं, लाभ हो सकता है, शत्रुओं से मुक्ति मिल सकती है। हेल्थ में किसी तरह की दिक्कत रही होगी वो सब यहाँ दूर होगी। अच्छे डॉक्टर मेडिसिन आपको मिल सकते हैं। कॉम्पिटिशन के लिए बहुत अच्छा है, जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। केस मुकदमा दायर करने के लिए समय अच्छा है। जिन लोगों के वाद विवाद चलते रहते हैं ना कोर्ट कचहरी, तो यहाँ पर अगर मिलकर के लॉयर के साथ में आप कोई केस फाइल करते हैं तो आप एक सफल होने के चांसेस बन जाते हैं। ये समय हर तरह से आपको मदद कर रहा है, सारे कार्य आपके यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। गुरुवार शाम 7 बजे से लेकर के शनिवार रात 1 बजे तक का जो समय है ये भी आपके लिए अनुकूलता दे रहा है। पैसों का लाभ, यात्राओं से फायदा, पार्टनर से लाभ, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर से लाभ, आप किसी तरह के रिलेशनशिप में है मैरिज को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी को प्रपोज कर सकते हैं, अपने बिजनेस में किसी को पार्टनरशिप में लेकर के आ सकते हैं। यहाँ आपको मान सम्मान भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, जॉब भी आपके ग्रोथ के ऊपर जाएगी। जो लोग खुदरा व्यवसायी है उनके लिए बड़ा अच्छा है। ये वो टाइम पीरियड है जब आप किसी भी नए काम की भी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कोई आपको बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई भी नया रिश्ता स्टार्ट करना है, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। मतलब आपके यहाँ पे सारे कार्य अच्छे से पूर्ण हो सकते हैं। शनिवार रात 1 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन है बहुत सेंसिटिव है, बिल्कुल शांति से रहिएगा। वीकेंड का दिन है, आपका मन यहाँ पर बहुत ज्यादा नर्वस रहेगा, डाउन रहेगा, तो आप किसी से अननेसेसरीली ज्यादा बात मत करिएगा। कोई भी बड़े कार्य, मीटिंग, पेपर रिलेटेड वर्क, नए काम का प्रारंभ, पैसों का लेन देन, ये सब नहीं करना है इस समय पर। कोई भी जरूरी काम आप जितना संभव हो उतना टालिएगा, अदरवाइज वो आगे चल करके या तो रुक जाएगा या उसमें आपको उतना फायदा नहीं हो या आपकी मेहनत वेस्ट चली जाए। इससे अच्छा है कि आप अभी कोई काम शुरू ही मत करिए, क्योंकि आप डिसीजन ही यहाँ पर सही नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ साथ जितने भी मीन वाले लोग हैं, गुरु और सूर्य जो प्लेनेट हैं आपके थर्ड हाउस में चल रहे हैं, तो देखिए आपकी नौकरी की वजह से काफी आपकी फ्रिक्वेंट ट्रेवल होंगी और बिजनेस, फाइनेंशियल गेन, यात्राएं, विवाह, पार्टनरशिप, ऐसा कुछ ये दोनों प्लेनेट मिलकर के आपको मदद करेंगे। काफी आपके यहाँ पर यात्राएं भी होंगी और जॉब वगैरह से आपको फायदा करवा देंगे। बुध और शुक्र आपके सेकंड हाउस में चल रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। आपका जो पार्टनर है उसके लिए अच्छा है, उसके बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है। आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों से आपको काफी कुछ यहाँ फाइनेंशियल गेन मिल सकता है, आपकी मदद के लिए अच्छा है। उनकी लाइफ में कुछ अच्छा, उनको कुछ फायदा हो जाए ऐसा दिखाई पड़ रहा है। कुछ ना कुछ आप लोगों को ऑर्नामेंट, फाइनेंस, ये सब कुछ मिल सकता है। मतलब कुछ ना कुछ फायदा होगा, ज्वेलरी के रूप में, पैसों के रूप में, सिस्टर प्रॉपर्टीज, रुके हुए जो पैसे होते हैं वो सब आपको दिलवा देंगे प्लेनेट। मंगल और राहु आपके लगन में ही चल रहे हैं, तो देखिए नेम फेम प्रसिद्धि ये सब दिलाने में तो कोई कसर नहीं बाकी रखेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, आक्रामक प्लेनेट है, जल्दबाजी, क्रोध, आवेश में आकर के कोई काम करना ये सब बिल्कुल नहीं करिएगा।
लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश वाद विवाद ऐसी चीजों से बचाव करके रखिएगा। बाकी आपको करियर में मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, फादर से आपको काफी मतलब भाग्य का साथ मिल सकता है। आपको यात्राएं आप काफी यहाँ पर कर सकते हैं, जॉब रिलेटेड स्टडीज रिलेटेड जर्नीज भी प्लेनेट आपको देंगे। शनि आपके 12वें भाव में चल रहे हैं, देखिए बराबर खर्चे आपके होते रहेंगे, उनको निवेश का फॉर्म दे दीजिएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रूप दे दीजिएगा। भाषा शैली वाणी को अच्छा सा बना अच्छे से बना करके चलिएगा। शत्रुता किसी से मत करिएगा, पहले की लड़ाई झगड़े कलह क्लेश वाद विवाद है उनको आप सुलझाने का ही प्रयास करिएगा, नए बिल्कुल मत तैयार करिएगा। इसमें पर आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ पैसों के खर्च के योग बराबर बने हुए हैं। अगर आपका काम ही एमएनसी से जुड़ करके है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है, वहां तो दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तो उनके लिए शनि कुछ ना कुछ खर्चे के योग बनाए हुए हैं। वैसे भी आप लोगों की 7:30 स्टार्ट हुई है तो पैसे आपके जाने हैं, तो आप उसको निवेश का ही फॉर्म दीजिएगा, लंबे समय के लिए कहीं लगा दीजिएगा। और चैरिटीज बराबर करिएगा, मतलब अस्पताल के ऊपर, जरूरतमंद लोगों के ऊपर, मंदिर में जाकर के कुछ ना कुछ दान धर्म करते रहिएगा, क्योंकि शनि 12वें में चल रहे हैं ना, वो खर्च कराएंगे। तो अगर आप पूरे कार्यों पर लोगों की मदद पर कर देंगे तो उससे शनि भी शांत रहेंगे और आपका गलत ढंग से पैसा खर्च नहीं होने पाएगा। अदरवाइज यही जो है आपको या तो हॉस्पिटल में खर्च हो जाएगा, कोर्ट कचहरी वाद विवाद लड़ाई झगड़ा इन चीजों पर जा सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी खुशी से खुद ही दान कर दीजिए, है ना, और रिसर्च वगैरह में आपको ये फायदा करवा सकते हैं, कुछ यात्राएं दिलवा सकते हैं हायर स्टडीज से जुड़ कर। इस तरह मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए जो ये सप्ताह है, एक मिला जुला प्रभाव देगा। और अच्छा है ये मई का महीना, क्योंकि गुरु ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है, धन की राशि में आ गए हैं वृषभ में, और सूर्य भी आ गए हैं 14 तारीख को, और सभी प्लेनेट जो है ऑलमोस्ट ठीक है। मंगल थोड़ा है भी मुश्किल में, राहु के साथ में है अभी मीन राशि में, अब वो तो जून में ही निकलेंगे, और गुरु सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है तो ये सारे ग्रह आपको कुछ ना कुछ मदद करेंगे। शनि भी अच्छी जगह चल रहे हैं मूल त्रिकोण राशि में, तो आप लोग अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि से प्रेडिक्शन को समझिएगा। नहीं कुछ पता है तो आप अपने नाम के अक्षर से ही चेक कर लीजिएगा, और बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित होता है, तो बहुत सीरियसली मत लीजिएगा, गाइडलाइन के तौर पर लीजिएगा। और आप सबके सपोर्ट के लिए फिर से मैं बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों को, और जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, तो प्लीज आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल जाए करे। और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।